हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण और इसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता क्या है। किसी भी प्रकार की इंजरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या बीमारी जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, नर्वस सिस्टम में नुकसान पहुंचने से आपके ब्लैडर का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और ब्लैडर का मतलब पेशाब की थैली जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। आपका ब्लैडर का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से रहता है। जो ब्रेन रहता है वो ब्लैडर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जब ब्लैडर भरता है तो नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि ब्लैडर भरा हुआ है। फिर ब्रेन मोटर सिग्नल पहुंचाता है ब्लैडर को खाली करने के लिए, जिससे ब्लैडर की मसल्स सिकुड़ने लगती हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं, जिससे आपकी यूरिन बाहर आती है। ये तो बात हुई नॉर्मल, जब नर्वस सिस्टम काम करता है तब ये नॉर्मल प्रोसेस चलती है। लेकिन जब आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है जिससे आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है किसी भी कारण से, तो आपका जो ब्लैडर भरने की और खाली होने की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ब्लैडर की भरने का जो सिग्नल है ब्रेन को वो गलत पहुंचता है और गलत खाली करने का सिग्नल्स ब्रेन से ब्लैडर को आता है, जिससे आपके जो ब्लैडर के फंक्शंस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको यूरिन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बार बार यूरिन आना, बूंद बूंद करके यूरिन आना, खांसते या छींकते वक्त आपको यूरिन निकल आना, या फिर यूरिन जाते समय आपको बहुत तेज़ दर्द होना, जलन होना, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओवर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर, सेकेंड है अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ओवर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर को स्पास्टिक या हाइपरटोनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कहते हैं। ओवर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में व्यक्ति को बार बार यूरिन आती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। जब वो यूरिन जाते हैं तो बूंद बूंद करके यूरिन आती है, हंसने खांसने छींकने पर यूरिन लीक हो जाती है। इसके अलावा यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो ओवर एक्टिव ब्लैडर में आते हैं। क्योंकि ब्लैडर की जो मांसपेशियाँ हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, स्पास्टिक हो जाती हैं, हाइपरटोनिक हो जाती हैं, जिससे उनमें अपने आप इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है ब्लैडर की मांसपेशियों में, जिससे आपको ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो देखने मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में। अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में ब्लैडर फुल होने के बाद भी व्यक्ति को फील नहीं होता है कि उसका ब्लैडर भरा हुआ है, क्योंकि नर्व सेंसेशन वीक होने के कारण जो सिग्नल्स हैं ब्लैडर से वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे व्यक्ति को फील ही नहीं होता है कि उसका ब्लैडर भरा हुआ है। ब्लैडर भरने के बाद भी उसको यूरिन जाने की इच्छा नहीं होती है, जिससे ब्लैडर भरता जाता है, ब्लैडर की मसल जो है वो स्ट्रेच होने लगती हैं, जिससे मसल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो खो देती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, भारीपन होता है। इसके अलावा पेशाब जाते समय बहुत तेज़ दर्द और जलन होती है, बूंद बूंद करके पेशाब जाएगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में हमें देखने मिलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन इंजरी हो जाना। ये इंजरी आपको एक्सीडेंट के दौरान हो सकती है या फिर सर्जरी के दौरान लग सकती है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की नुकसान होने से आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं, डिसीजेज होती हैं, जिससे आपके नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे स्ट्रोक की कंडीशन में
पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बच्चों में स्पाइना बायफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, इससे भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय पे हार्मोनल चेंजेस या बेबी का साइज बढ़ने से जो ब्लैडर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, उनमें दबाव पड़ता है, जिससे आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मोटापा, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो बॉडी का वेट है वो सारे आपकी मांसपेशियों पर पड़ता है ब्लैडर की, जिससे वहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी आपके जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इससे भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से, इसके अलावा ब्लैडर में ट्यूमर या स्टोन होने से, किडनी स्टोन होने से, और इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट में स्वेलिंग होने से भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर होने के चांसेस रहते हैं। लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करने से, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, शराब, सिगरेट, इन सब से भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ ब्लैडर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे यूरिन को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। कई बार औरतें लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखती है टॉयलेट ना मिलने की वजह से, जिससे ब्लैडर बहुत ज़्यादा भर जाता है। ब्लैडर के भरने से ब्लैडर की मांसपेशियों में फैलाव आ जाता है, जिससे अगर महिलाएँ खांसती या छींकती हैं तो इससे यूरिन का लीकेज हो जाता है। अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर के डायग्नोसिस के बारे में। कैसे पता करेंगे हम कि पेशेंट में नर्व डैमेज हुई हो, पेशेंट डायबिटिक है, या फिर किसी प्रकार का ट्यूमर है, स्टोन है, कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, या इंजरी है। तो इसके लिए कुछ डायग्नोसिस किए जाते हैं, जिसमें यूरिन कल्चर किया जाता है, ब्लैडर स्कैन किया जाता है, जिसमें सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, एक्सरे किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी की जाती है, जिसमें किडनी स्टोन, ट्यूमर या ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो EEG किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जिसमें ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी दिख जाती हैं। EMG किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिससे नर्व या मसल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो दिख जाती है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर को ठीक करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेकंड है ओरल मेडिकेशन, और थर्ड ट्रीटमेंट है सर्जिकल प्रोसीजर से। तो एक एक कर इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मिर्ची मसाला, खट्टा, नमकीन खाना अवॉइड करना है। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको बार बार यूरिन आती है, तो आपको 6 से 8 ग्लास ही पानी पीना है दिन और रात का मिलाकर। रात में बहुत कम पानी पिए, क्योंकि रात के समय आपको बार बार यूरिन आएगी तो आपको आपकी नींद में डिस्टर्ब होगा, तो रात के समय कम पानी पिए। इसके साथ ही अगर आप स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो इसको अवॉइड करें। अगर आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से पैरों में स्वेलिंग है, तो रात को 3 से 4 तकिए का फोल्ड बना लें और अपने पैरों के नीचे रख लें, इससे आपके पैरों की स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपको पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, सिकोड़ना है और छोड़ना है। इसके लिए आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं और आपको यूरिन आती है, टॉयलेट दूर है, तो आप अपनी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, वैसे ही आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, मतलब जो यूरिन का एरिया है जहाँ से आप यूरिन करते हैं, उस एरिया को सिकोड़ना है और छोड़ना है। सिकोड़ना है, 5 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद छोड़ना है। तो इसको आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इससे आपको ब्लैडर से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलीफ मिलता है। कीगल एक्सरसाइज के अलावा आपको अपने पेशाब को रोक रोक कर करना है। कैसे करना है? जब आप बैठते हैं पेशाब करने, तो रोक रोक कर यूरिन को बाहर करना है। जैसे आपने थोड़ी सी यूरिन किया, उसके बाद यूरिन को टाइट कर लिया, रोक लिया,
उसके बाद फिर रिलीज़ करना है, फिर 5 सेकेंड के लिए रोक लेना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है एक बार की यूरिन में। इससे आपके ब्लैडर का जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, वो मसल टाइट होती है, जिससे आपको यूरिन के लीकेज की अगर प्रॉब्लम है तो उससे आपको राहत मिलती है, और पेल्विक फ्लोर की मसल भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। अर्ज कंट्रोल करने की कोशिश करना है, आपको जो यूरिन की फीलिंग्स आती है उसको कंट्रोल करना है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में आपको बार बार यूरिन आती है, ब्लैडर फुल नहीं होता उसके बाद भी यूरिन आती है, जब यूरिन करने बैठते हैं तो यूरिन नहीं आती है, या फिर बूंद बूंद करके यूरिन आती है। तो इसके लिए आपको अपनी इच्छा को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो यूरिन करने की फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले दिन आप जितनी बार यूरिन जाते हैं, आपको जितनी बार यूरिन की फीलिंग्स आती है तो आपको 5 मिनट रोक कर रखना है, फिर जाना है। कैसे रोकना है, मान लीजिए आपको अभी यूरिन आई है, आपको फीलिंग्स आई कि मुझे यूरिन जाना है, आप पहले ऑलरेडी एक बार जा चुके हैं 10 मिनट पहले, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद आपको फीलिंग्स आई कि मुझे यूरिन आई, तो ऐसा नहीं करना। आपको फीलिंग्स आई है आने दीजिए, दूसरी चीज़ों में मन लगाइए, आपको 5 मिनट रोक कर रखना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। पहले दिन आप जितनी बार टॉयलेट जाएंगे 5 मिनट का वेट करें, उसके बाद जाएं। फिर नेक्स्ट डे आप जितनी बार बाथरूम जाएंगे 10 मिनट रोक कर रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको 20 मिनट करना है इसी को, फिर आपको ये बढ़ाते जाना है। आपको 1 से 2 घंटे के अंतराल में यूरिन जाना है, तो इससे आपको क्या होगा, जो अर्ज कंट्रोल है, बार बार यूरिन की इच्छा होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो कम हो जाएगी। आपकी जो ब्लैडर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होगी, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपकी जो ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम से पूरी तरह भी आप इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये आप ज़रूर फॉलो करें, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रांग कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं, और आपके जो सिम्टम्स हैं उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। मेडिसिन में सबसे पहले अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को देखेंगे। ये ड्रग्स अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें आपको यूरिन करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो ये ड्रग यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करती है, ब्लैडर को खाली करने में हेल्प करती है, इसके अलावा यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करती है। इसमें टेराजोशिन, टैमसोलोशन, अल्फाजोशिन, डॉक्साजोशिन यूज़ किया जाता है। सेकेंड ड्रग है वेथिनिकॉल, जो कि पैरासिम्पेथोमामेटिक कोलिन ड्रग होती है, ये भी अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर में यूज़ की जाती है, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे आपको यूरिन करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं जाती है। इसके अलावा वॉटुलिनम टॉक्सिन यूज़ किया जाता है, जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में दिया जाता है, हाइपरटोनिक ब्लैडर में, जिसमें आपको बार बार यूरिन आती है, तो उस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें अर्ज कंट्रोल हो जाता है और आपको बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। टाइट एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को रिलीज़ करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन से आपको 5 से 10 महीने के लिए रिलीफ मिलता है, इसके बाद आपको फिर से इसको लगवाना पड़ता है। सर्जिकल प्रोसीजर में यहाँ पर सिस्टोएंटेरोप्लास्टी, ऑटो ऑगमेंटेशन, सैक्रल एंटीरियर रूट स्टिमुलेशन, स्फिंक्टरेक्टोमी भी की जाती है, जिससे आपके जो ब्लैडर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।